हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दी फ्रेंडशिप। तो आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें वी आर गोना स्टार्ट दी नेक्स्ट चैप्टर दैट इज फेयरली कूल। एज यू ऑल नो कि हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था दी प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर नंबर 4। नाउ इट्स टर्न फॉर लेसन 5 मीन्स लेसन 5। अब आप लोग, कुछ लोग पूछोगे कि चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 2 कब आएगा, सो आई एम वर्किंग ऑन दैट पार्ट 2 एज वेल, सो डोंट वरी, आई अपलोड इट सून, जल्दी वो अपलोड हो जाएगा। छोटा सा ही टॉपिक है, इतनी ज़्यादा कुछ टेंशन की नीड नहीं है। सो अभी जो है हमारा दैट इज़ फेयरली कूल, वो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फेयरली कूल टू डू दी शॉपिंग। सो इन दिस चैप्टर हम देखेंगे समथिंग शॉपिंग से रिलेटेड ही कुछ होगा, सो यू कुड थिंक, अपने माइंड में आप इमेजिन कर सकते हो दैट वट वी आर गोन स्टार्ट इन दिस चैप्टर। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये वाला चैप्टर इट्स, मैं कुछ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी नहीं कह सकती, जस्ट इतना कुछ खास चैप्टर नहीं है, बट हाँ अच्छा चैप्टर है, ईजी टू लर्न है। एंड या सो लेट्स सी ऑल द टॉपिक्स। सो अगेन एज पर द रूल हम इंट्रोडक्शन को पूरा पढ़ेंगे। से समी मदाम लावीन फेले कूस टू जू ले समी दबो एलवा ओ मर्शे। सो वट इट इज टोल्ड इन दिस पैराग्राफ इज सी से सामदी, से सामदी का मतलब होता है इट्स सैटरडे। मदाम लवीन मिस लवीन डू द शॉपिंग ऑलवेज ऑन सैटरडे। द बोर मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल शी इज गोइंग टू द मार्केट, मार्शे का मतलब होता है मार्केट। द नेक्स्ट लाइन इज सेज एल्वो दे लेग्यूम पोम द तैर अरिकोवर ए शैम्पिनो शी वॉन्ट सम वेजिटेबल्स पटेटो बीन्स एंड मशरूम्स। आफ्टर दिस लाइन हमारे पास लाइन है एल अशत ओसी मीन्स शी ऑल्सो बाइज दे फ्रूट मीन्स शी ऑल्सो बाइज सम फ्रूट्स बनान पोम ए पुआर बनानास एप्पल्स ए का मतलब एंड पुआर का मतलब पियर्स। इल सो थ्रे फ्रे ओ माशे दे आर वेरी मच फ्रे, फ्रे का मतलब होता है फ्रेश एट द मार्केट मीन्स जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं मार्केट में, इसलिए मदाम लावीन वहाँ से उनको परचेज करती है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक रीज़न आ गया हमारा, ठीक है। देन नेक्स्ट लाइन ऑन स्वीट, ऑन स्वीट का मतलब देन होता है और यू कुड से आफ्टर वर्ड्स, ठीक है। ऑन स्वीट एल वा आला आफ्टर वर्ड्स शी इज गोइंग She goes to the, आला का मतलब to the और in the, ठीक है, दोनों मतलब होते हैं इसका। So she goes to the बुशरी, ठीक है, उसके बाद वो बुशरी जाएगी। बुशरी क्या होता है, बचर्स शॉप, बचर क्या होता है, हु सेल मीट, द पर्सन हु सेल्स मीट इज अ बचर, ठीक है। सो आफ्टर दैट, आफ्टर बाइंग सम वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स शी इज गोइंग टू द बचर्स शॉप। एल अशत दिलव्यांद शी इज गोइंग टू बाय सम मीट, व्यांद का मतलब होता है मीट, वो का मतलब होता है फिश ऑफ यंग काल्फ मीन्स जो काऊ का जो बेबी होता है उसको हम काल्फ बोलते हैं, सो काल्फ का जो मीट होता है उसको हम वो बोलते हैं, वो, ठीक है। ए का मतलब एंड, मुतो मीन्स मटन, ठीक है, मटन। सो शी बाय सम मीट फिश मीट ऑफ यंग काल्फ एंड मटन। ऑफ एलवा आला बुलोंजरी फाइनली शी इज गोइंग टू द बेकरी, बुलोंजरी का मतलब होता है बेकरी, ठीक है। एल का मतलब शी कोने यून बोन बुलोंजरी इसी शी नोज अ गुड बेकरी हेयर। सो सबसे पहले शी वेंट टू द मार्केट फॉर परचेजिंग सम लेग्यूम्स एंड फ्रूट्स, आफ्टर दैट शी वेंट टू द बुशरी मीन्स टू द बचर्स शॉप, देन आफ्टर दैट शी वेंट टू द बुलोंजरी, बुलोंजरी का मतलब होता है हमारा बेकरी। अब हमारी चीज़ आती है आला बुलोंजरी की, मतलब हम कुछ कन्वर्जेशन पढ़ेंगे बिटवीन द बेकर एंड मदाम लावीन, व्हाट हैपन एट द बेकर
bakery. So let's get started with the conversation. First dialogue hamara aata hai of the le boulanger means the baker. Theek hai, ab yahan par hamara jo baker hai wo masculine hai. Aisa hame kaise bata? Because iske piche jo hai wo e nahi hai. ठीक है. एंड बुलोंजर को जब भी हम मैस्कुलिन मतलब फेमिनिन में जब भी हम कन्वर्ट करेंगे तब वो हमारा बनता है बुलोंजर. वो हमारा बन जाता है बुलोंजर. ठीक है. सो आई एम नॉट क्लियर विद द एक्सेंट्स. मुझे याद नहीं कि यही वाला एक्सेंट लगता है बट आई थिंक हाँ यही वाला लगता है. सो बुलोंजर हमारा बन जाता है वो. ठीक है. अब ये है हमारी उसकी फेमिनिन वाली फॉर्म. अब आते हैं हम बुलोंजर के डायलॉग पर. बोंजू मैडम, के डिजीरे वू. हेलो मैम, व्हाट यू वांट, व्हाट इज़ योर डिज़ायर. ठीक है. के डिजीरे वू. देन मैडम लावीन शी सेज बोंजू मीन्स हेलो. जे वू अ किलो द पा ए यून बैगेट. आई वांट अ किलो ऑफ ब्रेड. पा का मतलब होता है ब्रेड. ठीक है. ए यून बैगवेट. अब बैगवेट क्या होता है, आपने वेन एवर यू लर्न अबाउट फ्रांस, फ्रांस के कल्चर के बारे में सीखते हो, द ऐसे टाइप के ब्रेड की आपके पास इमेज हमेशा आई होगी. राइट. हमेशा. सो दिस लॉन्ग फ्रेंच ब्रेड इज कॉल्ड बैगवेट. ठीक है. इस ब्रेड को हम बैगवेट कहते हैं. ठीक है. एंड इट्स रियली रियली फेमस इन फ्रांस. बहुत ज़्यादा लाइट वेट होता है एंड इससे बहुत भूख भी, इसको खा लो तो भूख भी मिट जाती है हमारी. सो दैट इज़ व्हाई इट इज़ रियली मच फेमस. एंड नेपोलियन बोनापार्ट भी इसको प्रेफर करता था व्हेन ही यूज टू गो टू द वॉर्स. तो अपने सोल्जर्स को भी वो यही खिलाता था ताकि, क्योंकि ये लाइट वेट होता था और इससे भूख भी मिट जाती थी, तो इसलिए. ठीक है. अब आते हैं बुलोंजर के डायलॉग पर. बेकर ही सेज वाला मैडम, देयर इज मैम, वू विल यू शूज, डू यू वांट समथिंग एल्स. ओके. तो ये चीज़ बेकर ने कही. अब मैडम लावीन कहती हैं, वी दोने मुआ असे, सॉरी दोने मुआ ओसी अपति गातो ओ शोकोला, ऑल्सो गिव मी अ स्मॉल चॉकलेट केक. सो शी इज़ नाउ आस्किंग फॉर अ स्मॉल चॉकलेट केक. ए जुन टार्ट ओ प्रून, शी वॉन्ट्स अ स्मॉल चॉकलेट केक एंड अ टार्ट. टार्ट का मतलब होता है पाई, खाने वाला पाई. पाई प्लम पाई. ठीक है. सो दिस इज व्हाट शी आस्क. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. ले बुलोंजर से तू मैडम, इज दिस ऑल मैम. मैडम लावीन वी सफे कुमिया. अब बात करती हूँ मैं यहाँ पर. देखो सा का मतलब होता है, सॉरी सबसे पहले वी पर आते हैं. वी का मतलब यस. सा का मतलब होता है दैट. फे कोम्बिया, फे कोम्बिया इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फेयर वर्ब. यहाँ पर यू कुड नोटिस दैट फेयर वर्ब हैज बीन यूज्ड. ठीक है. सो फेयर वर्ब के साथ जब भी हम कोस्ट की बात करें तब हम फेयर वर्ब का यूज करते हैं. सो सा फे कोम्बिया मीन्स हाउ मच डज इट कोस्ट. ठीक है. ले बुलोंजर ही सेज सा फे कैंस हो ट्रोंट. ठीक है. जैसे कि हमारे रुपीज होता है और उससे लोअर लिमिट हमारी, उससे लोअर लिमिट हमारी होती है पैसे, तो वैसे ही फ्रांस में ये हमारी अपर लिमिट है एंड लोअर लिमिट जस्ट लाइक पैसे, सेंट, सी ई एन टी, वो होते हैं हमारे, ये पीछे लगते हैं. ठीक है. सो इट कोस्टेड 15 यूरो 30 सेंट्स. ठीक है. आई एम नॉट गेटिंग द वर्ड विच वी से इट एंड सॉरी फॉर दैट. नाउ मैडम लावीन शी सेज वाला लार्जो मीन्स हेयर इज द मनी. एंड देन ले बुलोंजर ही सेज मेसी मैडम बोंजूर ने, थैंक यू मैम, हैव अ नाइस डे. एंड मैडम लावीन ऑल्सो सेज बोंजूर ने. नाउ मैंने जो एक्सरसाइज है हमारी नीचे वाली उसके मैंने ऑलरेडी आंसर्स कर रखे हैं बट स्टिल आई एम गोना टेल यू द मीनिंग ऑल्सो. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज कंप्लीटली अवेक अमो जू टेक्स्ट मीन्स यू हैव टू चूज अ वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट एंड उसको यहाँ पर फिल करके कंप्लीट करना है. ठीक है. फर्स्ट पार्ट डैश जुनवे पाली खोल, मतलब इस दिन आई डोंट गो टू द स्कूल. दाबोर जुनवे पाली खोल मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट गो टू स्कूल, ये कोई सेंस बनती नहीं. ले समी जुनवे पाली खोल मीन्स ऑन सैटरडे आई डोंट गो टू स्कूल. सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. देन सेकेंड पार्ट जे वे डैश आश्ते दे फ्रुई, je vais à la boulangerie acheter des fruits. It is wrong because bakery में हम
फ्रूट्स खरीदने नहीं जाते हैं, ठीक है. देन ओ मार्शे, येस इट इज द करेक्ट ऑप्शन. जे वे ओ मार्शे आश्ते दे फ्रूट. सो यहाँ पर ये सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हो रहा, यहाँ पर चाहे तो हमें करना होगा जे वे ओ मार्शे पूर आश्ते दे फ्रूट, क्योंकि यहाँ पर ये सेंटेंस इनकम्प्लीट है. सो यू हैव टू एड पूर, ठीक है. देन नेक्स्ट इज एट अ बूशरी ओ अशत डैश इन द बटर शॉप वी बाय मटन चीज वेजिटेबल्स. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ड्यू मुटो सम मटन. मदाम लवीन अशित गातो डैश कौन सा केक खरीदा होगा उन्होंने, चॉकलेट केक, वनीला केक और फ्रूट्स वाला फ्लेवर वाला केक. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ओ गातो ओ शोकोला. डीट रे ओ फो मीन्स से ट्रू और फॉल्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है. सो फर्स्ट पार्ट इज दबोर मदाम लवीन अला बुलोंजरी, मतलब सबसे पहले शी वेंट टू द बेकरी. सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज वो सबसे पहले मार्केट में गई थी टू बाय सम लेग्यूम्स, सॉरी सम वेजिटेबल्स एंड सम फ्रूट्स, ठीक है. एल अशित दे से हीज ओ मार्शे मीन्स शी बाय सम चेरीज इन द मार्केट. नो, फ्रूट्स जो उन्होंने बाय करे थे देवर बनाना एप्पल एंड पियर्स नॉट द चेरीज. सो इट इज फॉल मीन्स फॉल्स. नेक्स्ट इज एल अशित ड्यू वो ए ड्यू पुले. सो शी बाय शी परचेज सम वो मीन्स दैट मीट ऑफ यंग काल्फ एंड चिकन. सो इट इज़ फॉल्स बिकॉज चिकन एंड मीट में हमारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस होता है. पुले का मतलब होता है चिकन, बट शी परचेज्ड व्यांद विच इज मीट एंड वो तो उसने परचेज करा था. यस शी परचेज्ड बट नॉट द पुले, एट द प्लेस ऑफ इट शी परचेज्ड व्यांद. सो इट इज फॉल्स. मदाम लवीन एम लतार्ट ओ प्रून, ऐसा कोई जिक्र हुआ ही नहीं है कि शी लाइक्स द दी पाई प्लम पाई. सो उन्होंने बस उसको परचेज करा था. सो वी कांट से दैट शी लाइक्स इट. सो इट इज़ अगेन फॉल्स. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर थ्री. क्वेश्चन नंबर थ्री जो हमारा है इट इज़ यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चंस. ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ मैं आपको मतलब बताऊंगी ऑफ द क्वेश्चंस. आंसर यू नीड टू फ्रेम योरसेल्फ, बट स्टिल अगर फ्रेम करने में कोई दिक्कत आती है सो यू मे आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू यू एज सून एज पॉसिबल. देन इज द फर्स्ट क्वेश्चन Que fait Madame Lavin le samedi? What does Miss Lavin do on the Sunday? Madame Lavin fait les courses le samedi. ठीक है, समझ में आ गया? अगर नहीं आया तो but still you have to form it. The next is qu'est-ce qu'elle achète à la boucherie? What does she buy? She purchased in the butcher's shop. We already know this. Yes or no? Yes, we know. Okay, very nice. Qu'est-ce qu'elle achète à la boulangerie? What does she buy in the bakery? Bakery में वो क्या purchase करती हैं? Question number four. Où achète-t-on les fruits et les légumes? Where do we buy the fruits and the vegetables? So the correct answer is in au marché, in the market. ठीक है? So you need to frame the full sentence. अब आ जाते हैं हम टू द ग्रामर टॉपिक. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. कमिंग टू ले वैब सावुआर ए कोनेत्र. अब सावुआर ए कोनेत्र याद करने की क्या जरूरत है? सो लेट्स सी व्हाट इज द इम्पोर्टेंस टू लर्न बोथ ऑफ दिस वर्ब्स. अब आई एम गोना टेल यू समथिंग कि जो हमारा सावुआर और कोनेत्र वर्ब होती हैं इन दोनों वर्ब का मतलब होता है टू नो. ठीक है, टू नो. अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो आज हम सीखने जा रहे हैं. सो सावुआर वर्ब इज यूज्ड व्हेन यू नो एनी फैक्ट और यू नो एनी इंफॉर्मेशन. लाइक अगर आपको स्विमिंग आती है सो यू वुड से जे सी नाजे. आप ये नहीं कहोगे जे कोने नाजे, नहीं, कोनेत्र वर्ब का आप यूज नहीं करोगे. ठीक है, सो सावुआर वर्ब इज़ यूज वेन यू नो एनी फैक्ट एनी इंफॉर्मेशन. ठीक है, अगर आपको किसी की डेट ऑफ बर्थ पता है, किसी की बर्थडे की डेट पता है सो यू विल से
Je sais la date de naissance de Paul. I know the birth date of Paul. ठीक है? अगर मैं किसी का एड्रेस पूछूं कि I know where he lives. I know where she lives. Je sais où elle habite. I know where she lives. So this is where we use savoir verb. But coming to the connaître verb is used when you know any person, place or thing. ठीक है? If you say I know this man, so you say je connais cet homme. अगर आप कहो I know Paris, I know Delhi, so आप कहोगे अगर आप कहो she knows Paris, so आप कहोगे elle connaît Paris और elle connaît Delhi, elle connaît Mumbai, elle connaît Maharashtra, elle connaît Haryana, elle connaît Punjab, all these. ठीक है? अब ils connaissent ce poem, they know this poem. ठीक है? Poem अब आप कहोगे कि ये तो कोई चीज़ हुई ना, बट ये कोई फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन नहीं है, दिस इज समथिंग, कुछ चीज़ है, तो इसको भी हम connaître verb की कैटेगरी में लेंगे. अब आते हैं इसकी कॉन्जुगेशन पर. कॉन्जुगेशन आप सब लोगों को पता है कि हम सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ हमेशा यूज करते हैं. सो लेट्स कम टू द कॉन्जुगेशन. कॉन्जुगेशन वी विल लर्न विद द सब्जेक्ट प्रोनाउंस. सब्जेक्ट प्रोनाउंस के साथ देखेंगे. सब्जेक्ट प्रोनाउंस को हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं, सभी के सभी सब्जेक्ट प्रोनाउंस को. द फर्स्ट इज je, second is tu, je, tu, il, elle, nous, vous, il, elle. ठीक है? अब आते हैं savoir की. ये सब चीज़ें हमें याद करनी होगी, ये सारे के सारे conjugation. There is no trick to learn them. ठीक है? So let's see. je, se, tu, se, il, se, elle, se. यहाँ से हमारे शुरू हो जाते हैं प्लूरल वंस. नू सावो वू सावे इल साव एल साव. जे से ट्यू से इल से एल से. नू सावो वू सावे इल साव एल साव. ठीक है? कोनेत्र वर्ब की कॉन्जुगेशन पर अगर हम आए, सो जे कोने ट्यू कोने इल कोने एल कोने. देखो ये जो हमारा एक्सेंट है इसके ऊपर, ये यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा, यहाँ पर भी नहीं लगेगा, सिर्फ इल एल के केस में लगेगा. ठीक है? सो इल कोने एल कोने, यहाँ से हमारे प्लूरल स्टार्ट हो गए. नू कोनेसो वू कोनेसे इल कोनेस एल कोनेस. जो कोने चू कोने इल कोने एल कोने. नू कोनेसो वू कोनेसे इल कोनेस एल कोनेस. ठीक है? सो ये थी हमारी कॉन्जुगेशन. यू हैव टू लर्न दिस कॉन्जुगेशन, देर इज नो ट्रिक टू लर्न देम. यहाँ पर हमारा कोनेत्र और सावुआर वर्ब का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है. आई होप जो कन्फ्यूजन होगी कि दोनों का मतलब टू नो होता है, वो अब आप लोगों की भी क्लियर हो चुकी होगी. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अगेन, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेज़ एडवर्ब इंटरोगेटिव. ठीक है? हमने एडवर्ब ऑफ क्वान्टिटी पढ़ ली थी, अब आते हैं हम इंटरोगेटिव एडवर्ब पर. ठीक है? सो द फर्स्ट इंटरोगेटिव एडवर्ब इज वेयर. वेयर को हम फ्रेंच में कहते हैं ऊ. अगर मैं कहूँ वेयर डू यू लिव, तो मैं कहूँगी ऊ आबीत ट्यू और ऊ आबीत वू. वैसे ही मैं कहूँ वेन, वेन को हम कहते हैं कौ, क्यू यू ए एन डी. हाउ, हाउ को हम कहते हैं कोमो. हाउ मैनी को हम कहते हैं कोम्बिया द. एंड वाई को हम कहते हैं पुकुआ. ऊ कोमो कोम्बिया द पुकुआ. ठीक है? सो आप ये सब सेंटेंसेस पढ़ लेना, अगर किसी का मतलब आपको नहीं पता हो, यू सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स. ठीक है? सो ये थी हमारे सिर्फ कुछ पांच, ये बहुत ज़्यादा कॉमन इंटरोगेटिव एडवर्ब्स हैं एंड ये आपको याद होनी चाहिए. अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऊ फैत वूले कूस. सो वेयर डू यू डू, वेयर Do you do the shopping? ठीक है? So let's just read this. On peut faire les courses au supermarché. Là, on trouve tous les produits. On peut aussi acheter les produits dans des boutiques spécialisées. अब हम आते हैं कुछ शॉप्स के हमें नाम दिए होंगे एंड हमें वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती है वो भी लिखा होगा. सो
सबसे पहला है हमारा ला बुलोंजरी. ला बुलोंजरी इज़ द बेकरी. सो इलिया लिपा ले क्रोसों ले बागवेट एटसेट्रा आ ला बुलोंजरी. देर आर द ब्रेड क्रोसों बागवेट एटसेट्रा इन द बेकरी. पतीसरी पतीसरी इलिया टूट सोर्ट द गातो tart, brioche, éclair, etc. à la pâtisserie. Means there are whole sorts of cakes, pies, pastry, éclairs, etc. ठीक है, everything in the pâtisserie. Next we have is la boucherie. Boucherie means butcher shop. As you can see in the image, butcher shop. So for the viande, means for the meat, bœuf, poulet, mouton, etc. on va à la boucherie. We go to the butcher's shop. ठीक है, next coming to l'épicerie. C'est une sorte de petit marché. On peut acheter le thé, le café, les épices et tout sort de produits à l'épicerie. ठीक है, so épicerie is a shop where it is just like a small supermarket. Here you can get tea, coffee, spices and all sort of products. ठीक है, next is la poissonnerie. La poissonnerie means pour les fruits de mer, means for the sea products. For the sea products we go to the poissonnerie. Poisson, crab, huître, etc. means fishes, crabs, oysters, etc. For those things we go to the poissonnerie. Then we have is la crèmerie, means the creamery. Pour le beurre, le fromage, les produits laitier, on va à la crèmerie. For the butter, cheese, means milk products, we go to the la crèmerie. Okay. Next is le marché. On peut acheter les légumes et les fruits frais au marché. We can buy vegetables and fruits fresh and fresh fruits and vegetables in the market. So this was all for this video. हमने ये वाला chapter भी complete कर लिया है. Next would be the part number 2 of chapter number 3. So make sure to subscribe to my channel ताकि आपको उसका भी update मिल जाए. And we'll meet in the next video. कल मिलेंगे हम. So bye bye.